नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। कैमूर जिले में ओवरलोड और अवैध बालू परिचालन को लेकर कैमूर जिले के अधिकारी के द्वारा सख्त रुख अपनाए हुए हैं और ऐसे में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है, जिससे अवैध बालू जो ओवरलोड होता है और इस जिले से उस जिले जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सावन कुमार जो कैमूर के अधिकारी हैं, वो सावन कुमार के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है, जिससे भी जिस तरीके से प्रवेश करने के दौरान ही कुदरा में चेक नाका बनाया गया है। इसके बाद मोहनिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की 3 शिफ्ट में 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बावजूद एंट्री माफिया इन पदाधिकारी से साठ गांठ करके अवैध बालू को लगातार पार कराने में लगे रहते हैं और कई बार तो सफल भी हो जाते हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। कई वाहन मालिक एक ही चालान पर 2 गाड़ियों को लोड कर समय अंतराल के साथ बारी बारी से अधिकारियों के मिली भगत या अधिकारियों को झांसे में देकर अवैध तरीके से बालू लोड ट्रक पार कराते हैं। ऐसे ही गुप्त सूचना मिलने पर भभुआ डीएसपी ने भभुआ कुदरा पथ से कुदरा का चेक नाका पार कर भभुआ में प्रवेश करने के दौरान 8 बालू की गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसमें कई गाड़ियां एक ही चालान पर दूसरा टिप बालू लेकर आई हुई पकड़ी गई। सबसे बड़ी खास बात होती है कि बालू की अधिक गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं रहता, जिससे एक ही चालान पर आसानी से बालू माफिया दो दो ट्रकों को एक ही कागज पर पार करा डालते हैं, क्योंकि पदाधिकारी सिर्फ चालान का मिलान करते हैं, नंबर तो गाड़ियों पर उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं भभुआ के डीएसपी, उनकी बातों को। बालू लदा हुआ ओवरलोड है, क्या है, ट्रक सब पकड़ा गया, क्या मामला है सर? भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोग तकरीबन 8 गाड़ी हम लोग जब्त किए हुए। हम लोग को सूचना मिल रही थी कि ये सब क्या करते हैं कि एक ही चालान पर 2 ट्रिप करते हैं, जैसे कि वो लोग 24 घंटे का चालान टाइम रहता है दूरी के हिसाब से, तो वो लोग 2 ट्रिप मारते हैं। तो उसी में हम लोग को सूचना मिली थी कि क्रम में छापेमारी किया गया था, तो हम लोगों ने लगभग 8 ट्रक जब्त किया है, लेकिन उसमें सभी लोग नहीं है डबल ट्रिप वाले, तो हम लोग चिन्हित करके उसका चालान का जो वेरीफाई कर हम लोग जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उन लोग से का सहयोग लेते हुए जो भी चालान अगर डबल में आ रहा है तो हम लोग उसको विधिवत रूप से जुर्माना उस पर किया जा रहा है। सभी ट्रकों पर क्या लोड है सर? सभी पे बालू है, सब बालू लोड है। बालू का खेल तो पहले से चले आ रहा है, ऐसे में कितना सरकारी राजस्व आएगा और क्या? अभी तक हम लोग सूचना प्राप्त हुई है जो माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है, अभी तक हम तकरीबन 10 से 12 लाख रुपये का एस्टिमेटेड फाइन है जो कि इन लोगों पर किया जाएगा। अब बाकी हम लोग और भी पेपर जांच कर रहे हैं, और भी किसी कागजात में कमी होगी जो भी उसमें फाइन लगेगा हम लोग उसको वसूली करेंगे उसके उसके लिए। जो सर ऐसे अवैध चलते हैं मतलब डबल ट्रिप लगाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? डबल ट्रिप के लिए ये है कि हम लोग लगातार इसमें निगरानी रख रहे हैं, जो भी ट्रक अगर एंट्री होता है उसका चालान नंबर हम लोग नोट कर ले रहे हैं, अगर कोई भी इस तरह का कोशिश करते हैं वो तुरंत ही पकड़े जाएंगे, हम लगातार इसमें नज़र बनाए हुए हैं। सर इसमें तो सरकार को काफ़ी जिसका लॉस होता होगा। हाँ, राजस्व तो लॉस होता ही है, इसलिए हम लोग जो पकड़ने को उन लोगों को फाइन किया जाता है, जो भी जुर्माना है हम लोग करके उनका जो हर्जाना वसूल किया जाता है जो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा। सर बालू में बालू के गाड़ियों में जांच में कौन पदाधिकारी अधिक लगाए जाते हैं? जो जांच है हम लोग कभी समेकित रूप से भी करते हैं, कभी पुलिस प्रशासन द्वारा भी किया जाता है, कभी हम लोग समेकित रूप से विशेष अभियान चलाते हैं, उसी में सभी को पकड़ा जाता है। तो हम अभी विशेष अभियान चल रहा है, चूँकि सामने लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो उन सबको लेके लगातार हम लोग ये अभियान चला रहे हैं ताकि विधि व्यवस्था को कायम रखा जा सके। तो आपने सुना कि किस तरीके से भभुआ डीएसपी शिवशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी बालू जो ओवरलोड होता है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, बालू लदे ट्रक पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़। धन्यवाद।